तो एक वक्त था जब अर्जेंटीना और जर्मनी सबके बाप हुआ करते थे। ज्यादा नहीं, 4-5 साल पहले की बात है जब वर्ल्ड कप फाइनल में दोनों खेले भिड़े और मारियो होट्जा। बट एक आज की बात है कि आज जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना फ्रेंडली आफ्टर 4 और 5 ईयर्स। अब देख रहे हालत क्या है, ट्रांजिशन के नाम पे दोनों कंट्रियां चुद रही हैं, भीख मांग रही हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं। वहां पे एक तरफ काफी चेंजेस हुए पर्सनल में, काफी मैनेजर्स आए काफी गए, लौड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वहां पे एक ही बैठे हैं शाहरुख खान। बट स्टिल मैंने कहीं पढ़ा था कि जर्मनी यूरोप की साउथ अमेरिकन अर्जेंटीना है एंड वाइस वर्सा विद अर्जेंटीना। एक अच्छी गेम डिस्पाइट ऑफ देम लूजिंग देयर थ्रोन, एक अच्छी गेम फ्रेंडली सही, बट इतनी अच्छी भी नहीं क्योंकि मेसी नहीं खेल रहा, वो सस्पेंडेड, बड़ी गालियां दी उसने ब्राजील को और एंड में गैरी मिडल से भिड़ भी गया, तो मेसी नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। बट जर्मनी की बात करें तो पहली बार श्वाइनस्टाइगर रिटायर हो चुका है, दांगश्वाथ, बाकी वहां पे कुछ अलग सा ट्रांजिशन चल रहा है। मुल्लर वो तो बयान छोड़ने वाला शायद से, ह्यूमल्स बोटिंग नॉट अलाउड, काफी यंग जवान टट्टू को चांसेस दिए जा रही है, ब्रांट हार्विट्स क्लॉस्टरमैन बंदे आ रहे हैं। ड्यू टू दिस विंग पावर, ये लीप्ज़िग की विंग पावर, हासनबर्ग और क्लॉस्टरमैन, योआकिम लो का खड़ा हो रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं क्यों नहीं इन पे काम करूं, मैं क्यों ना बैक थ्री खेलूं। फिर काफी फ्लक्चुएट कर रही है जर्मनी बैक फोर पे एंड बैक थ्री पे, एंड अभी भी कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है जर्मनी। बाकी बात करें स्कलोनी की, बात करें अर्जेंटीना की, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। हल्का सा इंप्रेस करने के बाद कोपा अमेरिका में थोड़ी और चांसेस मिल गई, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। वहां भी ट्रांजिशन शफलिंग वफलिंग चल रही है, कोई बात नहीं। काफी प्लेयर अवेलेबल नहीं अर्जेंटीना के लिए क्योंकि वहां पे कुछ कोपा लीपर दा तोरे ऐसे कुछ चल रहा है। नाउ जंपिंग स्ट्रेट इनटू द गेम, जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना, येलो बॉल नहीं है कोई बात नहीं, बट डॉर्टमुंड वाला एरिना। तो जर्मनी ऑन पेपर लाइंड अप इन 4-2-3-1, एमरे चान और किमिच मिडफील्ड में, क्रूस नहीं आ पाया कोई बात नहीं, बट गुंडोगान बेंच पे, एमरेचान किमिच, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4-2-3-1, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे कि अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जब यूवेंटस 3-0 से जीती थी तो एमरेचान एक सेंटर बैक खेला था बैक थ्री में विथ बढ़ाने के लिए, स्पिनाजोला और जोआ कंसेलो काफी आगे, उनमें स्ट्रेंथ है टेक्निकलिटी, एंड इवेंचुअली वो 3-0 जीते, एमरेचान खेला 3 at a back और आज भी उसने ये किया। यानी कि अगेन योआकिम लो अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है कि विंग बैक्स बड़े अच्छे हैं, क्लॉस्टरमैन हाई अप द पिच बॉल जीत सकता है, तागलियाफिको वल्नरेबल है, वन ऑन वन ड्यूल्स जीत सकता है, गोज विद हासनबर्ग तो ये विंग बैक वाले एरिया यूटिलाइज किया, काई हावर्ट्स को थोड़ा डीप ड्रॉप करना पड़ा किमिच को सपोर्ट करने के लिए, गनाब्री ब्रांट वॉल्शमिट्स, तो प्रॉपरली यानी कि जर्मनी अर्जेंटीना के विंग स्पेसेस को टारगेट कर रही है क्लॉस्टरमैन और हासनबर्ग की वजह से, बीच में थोड़ी क्रिएटिविटी वो एक्स्ट्रा फ्लेवर और गनाब्री फॉर्म में चल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना, अगर मैं स्कलोनी हूं और मैं जर्मनी को फेस करूं, उनकी प्रॉब्लम, इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, एक कोई फिजिकल होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है, डिफेंसिव लाइन पे प्रेशर डालोगे तो चुदेंगे, इतने भी खास नहीं है डिफेंसिव फेज में, तो थोड़ा सेंट्रल ब्लॉक इनिशियल, तो थोड़ा बिटवीन द लाइंस, थोड़ा बिल्कुल क्विक पासेस, सेंट्रल पेनिट्रेशन फुटबॉल खेलें। तो अगेन दिबाला भी वही रोल जो मॉरिजी सारी उसको डिप्लॉय करता है यूवेंटस में, बिटवीन द लाइंस किमिच के टट्टो के साथ खेलने की कोशिश, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, काफी स्ट्रिंग ऑफ पासेस कनेक्ट किया, अच्छी तरह बॉल को रिवॉल्व किया, एक ही एरिया में इतनी खुली नहीं अर्जेंटीना, बिल्कुल सेंट्रल दे पॉल दिबाला विंग स्पेस ये टारगेट करती रही, कुछ पीरियड्स तक बॉल बहुत अच्छी तरह रिवॉल्व कर रही थी बट कुछ हो नहीं पा रहा था, क्लिनिकलनेस नहीं बन पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्राइकर मिस्ड है, एक पर्सनैलिटी मिस्ड है, यानी कि मेसी मिस्ड है, एंड लौतारो मार्टिनेस गेम में इतना घुस पा नहीं रहा था, वो एक्स्ट्रा टच हो नहीं पा रहे थे बट बॉल रिवॉल्व अच्छी तरह कर पा रहे थे एक ब्लॉक तक, बट फिर वही यार ट्रांजिशन में क्लॉस्टरमैन ने बॉल जीती, पहला गोल, गेम चेंज, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जर्मनी गॉट द गोल, उसके बाद एक और अर्जेंटीना ऐसे बॉल ही घुमाती रहेगी, लौड़ा भी कुछ हुआ नहीं, और फिर ब्रांड का थोड़ा फ्री रोल भी काफी चीजों को स्टिमुलस कर रहा था व्हेन जर्मनी वाज हैविंग द बॉल, बट सेकंड हाफ में जब दिबाला गया और कौन असलारी क्या नाम है उसका जो आया नंबर 20 दिबाला की जगह, उसने गोल मारा, उसने कुछ क्लिक दिखाया बट वो भी इतना खास नहीं था सही बताऊं तो, एंड स्लोली जर्मनी फेड आउट होती गई, जर्मनी could not even win second balls, फर्स्ट ब्लॉक में चुत गई, प्रेसिंग was disorganized, सब कुछ खत्म, अर्जेंटीना प्रॉपरली डोमिनेट कर रही है, सेंट्रल पेनिट्रेशन प्लान स्टिक टू द प्लान काम कर रहा है, और लाइन्स ब्रेक करते गए बार बार विंग स्पेसिस पे क्लॉस्टरमैन आउट ऑफ पोजिशन एक्सप्लॉइट किया, एंड आई थिंक सूला ये चौकी जो भी है सारे अच्छी गेम नहीं हुई लिटरली, और काई हावर्ट्स डिफेंसिव मिडफील्डर चुदा, इन दी एंड एक अच्छी कम बैक, बट मे बी दे कुड हैव वन, मे बी अर्जेंटीना जीत जाती, बट किसी को फर्क पड़ता नहीं क्योंकि फ्रेंडली है, थोड़ी बोरिंग भी थी, थोड़ी अच्छी भी थी, थोड़ी अजीब गेम थी लिटरली, कुछ कुछ स्पेल्स की थी, कुछ पॉजिटिव्स अर्जेंटीना के, कुछ छोटे से पॉजिटिव्स जर्मनी के, बट स्टिल बोथ नेशंस को बहुत काम करना है, स्पेशली वेन मेस्सी विल कम टू दिस टीम, एग्वेरो ये सब डी मरे सब कुछ आएंगे, तब क्या करना है, ये तो बी टीम हो गई, अब क्या करना है। स्कलोनी अच्छा काम कर रहा है इन माय ओपिनियन, क्योंकि पिछली गेम अगेंस्ट चिली अच्छा था, स्कोर 3-4 ऐसे कुछ था, अच्छा कर रहा है, रैपिड फुटबॉल बिटवीन द लाइंस क्विक,
कनेक्शन बना रहे हैं एंड जर्मनी में वो यंग प्लेयर्स को इन्वोगरेट कर रहे हैं टीम में। धीरे धीरे टाइम लगेगा क्योंकि मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, योआकिम लो तो नहीं जाने वाला। बाय द वे आज मैक्स मार्क आंद्रे टर स्टेगन गोल पे था, मैनुएल लोर बैठा हुआ था, लेनो भी बैठा हुआ था, अब ये भी रणदीर होना चलेगा।